ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 24 जून 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:32 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा एक डोजी कैंडल बनने के बाद फिर से एक बार हायर आए हायर लो का पैटर्न डेली चार्ट पर क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 23 जून आफ्टर मार्केट आरसीएफ पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,391 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,260। जैसे कि कल का एनालिसिस अपना बता रहा था कि नेक लाइन एक बन रहा है, उसके नीचे अगर चला जाएगा और जो डोजी कैंडल बना था प्रीवियस डे उसका लो अगर ब्रेक होगा तो ये निफ्टी इंडेक्स यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो सकता है। लेकिन जो ग्लोबल क्यूज थे उसने मार्केट को फिर से एक बार पॉजिटिव वे में यहाँ पर ट्रेंडिंग करते हुए दिखाई दिया। तो कल जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव हुआ तो ब्रेकआउट लेवल के पास से पहले तो इसने पेनिट्रेशन दिखाया, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ फर्स्ट टारगेट 10,416 ये अचीव हुआ, फिर से एक बार इसने ब्रेकआउट लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया, और जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक हुआ फर्स्ट टारगेट के साथ सेकेंड टारगेट 10,441 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल अमेरिकी बाजार देखे तो नास्डैक ने फिर से एक बार रिकॉर्ड हाई लगाया, 74 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो कमजोरी के साथ कल एक बार फिर हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई दिए, और एशियाई बाजार आज जब वो ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। एशियाई बाजार देखे, जापानीज इंडेक्स देखे तो हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। मिला जुला कारोबार इस समय एशियाई बाजारों में दिखाई दे रहा है। जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स है वो लगातार बढ़ रहे, लेकिन मार्केट में दो तीन दवाई आ चुकी है कोरोना वायरस के खिलाफ, लेकिन वो कितना असरदार है ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन पेशेंट्स की जो काउंटेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो डाव फ्यूचर इस समय हल्की सी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल थोड़े से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। कल भी मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, मंथली एक्सपायरी यानी स्टॉक्स का भी इंडेक्सेस का भी एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में देखने को मिले। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट है ये निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप इसे लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ करें तो 61.8% के लेवल के पास, यानी ऑलमोस्ट 10,250 लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पर, और अभी इसके ऊपर ये निकल चुका है। तो नेक्स्ट हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग टारगेट हो सकता है 10,623, यानी 600 के पास ऑलमोस्ट, जहाँ पर 50 ईएमए का ये वीकली में लाइन आ रहा है, जहाँ पर 10,600 का लेवल बन रहा है, और उसके जस्ट ऊपर है 10,700 के पास ये 100 ईएमए का लाइन। तो यहाँ पर का है एक हर्डल हो सकता है निफ्टी इंडेक्स के लिए। अभी जो सपोर्ट का काम कर रहा था 10,250 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स फिर से ये 20 ईएमए का ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड अभी 10,061 के पास है, इसके पास फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स बन रहे हैं। अभी डेली चार्ट में चलते हैं, उससे छोटे टाइम फ्रेम में। अगर डेली चार्ट में अगर लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़े, हमने दो तीन वीडियो पहले भी ये टूल को यूज़ करके ये लाइंस ड्रॉ की थी, ये लो ये हाई और ये लो, तो आप देख सकते हैं
ये 50% के पास इतने डोजी कैंडलस्टिक बनाया था। डोजी जब बनता है तभी ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं, सिग्नल होता है, कंफर्मेशन नहीं होता। फिर इसका हाई या फिर लो अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में हमें कंफर्मेशन मिलता है। तो अभी कल जैसे कि हमने देखा इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होते ही निफ्टी इंडेक्स जबरदस्त तेजी से ऊपर या पर ट्रेंड कर रहा था। तो इसने एग्जैक्ट 61.8% का है, जो 10,484 का लेवल है, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। कल का हाई भी आप देख सकते हैं 10,484 है। तो यहाँ पर इसने ये अभी 61.8% का लेवल यहाँ पर अचीव किया। तो 50% 61.8% ये मेजर रेशियोज होते हैं जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन अगर जैसे कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ से अगर और ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स बढ़ता है तो वीकली चार्ट में हमने देखा 10,600 के पास रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पर एक और लेवल ऐड करते हैं 76.4 का, तो ये भी अराउंड 10,700 के पास आ रहा है। यानी वीकली चार्ट में ये 100 EMA 10,700 के पास आ रहा था। तो अगर 10,500 के ऊपर अगर ये आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो हमें निफ्टी इंडेक्स में 10,600-700 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर एक्सपायरी है कल, मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है ये जो जबरदस्त तेजी हमें यहाँ से देखने को मिली है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ एक मूव दिखाए। और इन लेवल्स के पास 10,300 है, फिर 10,100 है, इन लेवल्स के पास सपोर्ट टेस्ट करके जैसे कि यहाँ पर इसने ये ऊपर गया फिर नीचे आया, सपोर्ट टेस्ट किया और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक दिखाया। तो हो सकता है फिर से एक बार यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाए और फिर ऊपर जाए। तो 100 EMA अभी जब तक ये ब्रेक नहीं करता टूवर्ड साउथ की तरफ, यानी ये अराउंड 10,050 के पास है, 10,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये निफ्टी में फिर से एक बार जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल आप आर्ली चार्ट में देखें तो एक डोजी कैंडल बनाया था, अकॉर्ड यहाँ पर पिवट पॉइंट का ये जो लेवल आ रहा है 10,419 के पास, यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया था। यानी यहाँ पर एक तकलीफ यानी हर्डल फेस कर रहा था निफ्टी इंडेक्स। तो अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल है पिवट पॉइंट का 10,419 इसके नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,393। यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,366, यह हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है यानी 10,485 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,503। यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,518, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।